Hello viewer, welcome to my channel Pharma Digital, and I hope all of you enjoy your day. And in this video I am gonna discuss about the another lymphatic organ, that is the thymus. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और थाइमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं. और थाइमस ग्लैंड जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिम्फाटिक ऑर्गन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था. एक है प्राइमरी लिम्फाटिक ऑर्गन एंड दूसरा जो है वो सेकेंडरी लिम्फाटिक ऑर्गन. तो ये थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फाटिक ऑर्गन के अंदर आते हैं. तो ये थाइमस ग्लैंड जो है वो जो मीडियस्टीनम रहता है, मीन्स ये दो लॉन्ग्स का जो बीच वाला पार्ट है जिसमें स्टर्नम पाए जाते हैं, जो कि रिब्स केज को जोड़ के रखता है, रिब्स केज के बोन को. तो ये स्टर्नम के पीछे जो है ये थाइमस ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं. और इसका जो वेट है लगभग 10 से 15 ग्राम का रहता है जब पैदा होते हैं हम, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है अप टू दी प्यूबर्टी. और इसका जो मैक्सिमम वेट है ये 10 से 15 ग्राम से बढ़कर ये लगभग 30 से 40 ग्राम तक पहुंच जाता है. एंड उसके बाद जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद ये अपना वेट में जो है वो गिरावट भी दिखाई देता है. तो सिंपली यहाँ पे तुम्हें याद रखना होगा 10 से 15 ग्राम जो है वो एट टाइम ऑफ बर्थ रहता है, एंड धीरे धीरे ये अप टू प्यूबर्टी ये इंक्रीज होता है. प्यूबर्टी के बाद ये इंक्रीज होना बंद कर देता है एंड 30 से 40 ग्राम तक अप टू ये इंक्रीज करता है उसका वेट, 10 से 15 ग्राम से 30 से 40 ग्राम. एंड नेक्स्ट आते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये थाइमस ग्लैंड जो है वो दो लूप्स का रहता है, जो कि एरियोलर टिश्यू की मदद से वो जोड़ के रखता है. और लिम्फ नोड की तरह ही ये एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर में एनक्लोज हुआ है, फाइब्रस कैप्सूल में एनक्लोज हुआ है, जो कि लिम्फ नोड में और स्प्लीन में क्या होता था, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो इंटरनल सेगमेंट किया करता था उसे हम ट्राबिकुला बोलते थे, यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरलोबुलर सेप्टम. और ये दो लोब को जोड़ के रखता है, जो कि एक एपिथेलियल सेल का एक फाइब्रस कैप्सूल. और देख सकते हो ये इच लोब के अंदर जो है कॉर्टेक्स के आसपास जो है वो थाइमस कॉर्पस्कल्स के पाए जाते हैं. और यहाँ पे आर्टरी, वेन एंड लिम्फाटिक डॉक्ट पाए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो कि स्प्लीन के साथ यहाँ पे मिला जुला होता है इसका, कि यहाँ पे एफेरेंट मीन्स जहाँ पे लिम्फ जो है वो एंटर करता है, जिस वेसल्स में मीन्स लिम्फाटिक वेसल्स में यहाँ पे नहीं पाए जाते. तो सिंपली यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, जो कि मेन ऑर्गन मेन कंपोनेंट्स है लिम्फ का, वो यहाँ से जो है ये लिम्फाटिक डॉक्ट के थ्रू मीन्स एफेरेंट वेसल्स के थ्रू जो है वो एग्जिट करता है. मीन्स एंट्री वेसल्स नहीं है लिम्फ का, ओनली एग्जिट वेसल्स लाइक एस स्प्लीन. और नेक्स्ट आते हैं उसका फंक्शन के बारे में. और मैं वीडियो स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जो लिम्फाटिक ऑर्गन है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी एंड दूसरा जो है वो सेकेंडरी. तो ये थाइमस ग्लैंड जो है वो प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर्ड होता है. तो बेसिकली देखो, जो प्राइमरी ऑर्गन है बोन मैरो, लिम्फाटिक ऑर्गन प्राइमरी लिम्फाटिक ऑर्गन बोन मैरो, उसमें जो है वो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट दो टाइप ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के साथ साथ बोन मैरो में वो मैच्योर्ड भी होता है, एंड उसके बाद जो है वो ब्लड सेल में एंटर करता है और लिम्फ में एंटर करता है. लेकिन जो टी सेल है जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, वो थाइमस ग्लैंड को एंटर करके वो मैच्योर्ड होगा. मीन्स यहाँ पे उसे मैच्योर्ड होने के लिए थाइमस ग्लैंड की मदद लेना पड़ेगा, ये जो है टी लिम्फोसाइट. और ये टी लिम्फोसाइट जो है वो टी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है इन केस ऑफ यूथ. मीन्स जब हम जवान रहते हैं उस टाइम जो है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में जो है वो टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन होते हैं. तुम लोगों ने देखा होगा जो यंग इंडिविजुअल रहते हैं, इसीलिए
डिजीज़ में इजीली वो फाइट कर पाते हैं, जो कि जो ओल्डर पर्सन रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, वो नहीं कर पाते। एंड द मैचुरेशन ऑफ द थाइमस एंड लिम्फा टिश्यू इज स्टिमुलेटेड बाय थाइमोसिन। यहाँ पे एक हार्मोन आया जो कि थाइमोसिन बोलते हैं उसे, जो कि ये थाइमस ग्लैंड की और लिम्फा टिश्यू मीन्स ये उसे थाइमस ग्लैंड को मैच्योर करने में मदद करते हैं। और ये किससे सीक्रेट होता है, जो कि एपिथेलियल सेल्स दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ थाइमस ग्लैंड, मीन्स जो एपिथेलियल सेल की मदद से थाइमस ग्लैंड जो है वो बनता है, उस एपिथेलियल सेल से एक हार्मोन जो है वो रिलीज करता है जो कि थाइमस ग्लैंड को मैच्योर करने में मदद करता है, एंड उसका नाम है थाइमोसिन। और जैसे कि बाकी ऑर्गन को भी ऑर्गन का भी होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है वो उसका एक्टिविटीज़ जो है और फंक्शन जो है वो गिरने लगता है। तो यहाँ पे भी एडोलसेंस में यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एज यहाँ पे उसका एक्टिविटीज़ और फंक्शन जो है वो गिरने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पे देखो म्यूकोसा मीन्स जिस ऑर्गन जो है वो जो ऑर्गन जो है वो म्यूकस के साथ लिंक है और म्यूकस सीक्रेट होता है उसमें, जैसे कि हमारे माउथ में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जैसे कि माउथ हो गया और उसमें ओसोफागस रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, ये सब ऑर्गन को बोलते हैं म्यूकोस एसोसिएटेड ऑर्गन। तो यहाँ पे म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मीन्स जो लिम्फोइड टिश्यू म्यूकोस के कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता था, जो एक कैप्सूल में वो एनक्लोज होके रहता था, लेकिन यहाँ पे म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है वो किसी भी कैप्सूल के अंदर ये एनक्लोज होके नहीं रहते, एंड ये जो है वो इनिशियल स्टेज रहता है किसी भी आर्टिजन एंड पाथोजन को मारने के लिए, जैसे कि स्प्लीन एंड म्यूकोस ग्लैंड में भी एफरेंट लिम्फाटिक वेसल्स नहीं पाए जाते थे, यहाँ पे भी जो म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है उसमें भी जो लिम्फ एंटरिंग वेसल्स है जिसे हम एफरेंट लिम्फाटिक वेसल्स बोलते हैं, यहाँ पे भी नहीं पाए जाते, एंड उसकी वजह से जो लिम्फ से जो खतरा रहता है, क्योंकि लिम्फ में आप लोग जानते हो डिफरेंट पाथोजेंस वो कैरी करता है, डेड सेल कैरी करता है, तो कई कबार जो है वो लिम्फाटिक ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड को वो इन्फेक्ट भी करा देता है। तो यहाँ पे एफरेंट लिम्फाटिक वेसल्स ना होने की वजह से जो लिम्फ्स का जो पाथोजन से होने वाला खतरा जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। और ये MALT जो है वो थ्रू आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो दो MALT है जो कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है जो कि पाथोजन किल करने में मदद करता है, और वो है टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस। तो पहले जानते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है वो लोकेटेड रहता है माउथ में और थ्रोट के आसपास, मीन्स जो हमारा टोंग रहता है उसके पूरे निचले वाले हिस्से में रहता है, जो कि सॉफ्ट पैलेट ऊपर का सॉफ्ट पैलेट के दो साइड में रहता है ये टॉन्सिल। और ये जो है वो इनिशियल प्रोटेक्टर के हिसाब से काम करता है, जैसे कि हम किसी भी पाथोजन हो गया और डिजीज कॉजिंग एजेंट हो गया मुंह में अगर हम एनगल्फ कर लेते हैं तो ये टॉन्सिल जो है उसे मारने की कोशिश करता है। और अगर ये मुंह का जो ये टॉन्सिल है ये अगर उसे मार नहीं सका तो और एक रहता है लिम्फोइड टिश्यू जो कि पेयर पैचेस बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो लास्ट में ये उसे एनगल्फ और मारने की कोशिश करेगा। तो पहले जो है वो इनिशियल सोल्जर रहता है हमारे बॉडी का, वो है हमारा टॉन्सिल। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी लिम्फाटिक ऑर्गन थाइमस ग्लैंड एंड म्यूकस एसोसिएटेड विथ लिम्फाटिक ऑर्गन। होप यू एंजॉय द टॉपिक। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज रजिस्टर योर कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।